फ्रेंड्स, और आज आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे कोई पासपोर्ट साइज फोटो को फ्रेशली हाई आप लोग के HP प्रिंटर से निकल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है बता देता हूँ। बहुत बार यह होता है आपका पिक्चर कंप्यूटर से बहुत ही अच्छा दिखाता है, बट प्रिंट करने के बाद आपका क्वालिटी अच्छा होता है, बट उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्यों, मैं आपको बताता हूँ और कैसा सेटिंग आपको करना है और मैं भी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको जो करना होगा, कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले लेना है कंप्यूटर से। उसके बाद आप लोग फोटोशॉप में उसको रन करना है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक फ़ोटो मैं ले चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे विड्थ दे रखा हूँ 1.3 इंच और हाइट दे रखा हूँ 1.7 इंच। उसके बाद सिंपली इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद एंटर कर लिया। अभी अब मैं इसको जो बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। ये समय लग जाता है क्योंकि मेरे पास जो ग्रीन स्क्रीन वो नहीं है, इसलिए आप लोग चाहो तो ग्रीन स्क्रीन आप लोग ले सकते हो पर्दा की तरह। उसके बाद आपको सिंपली जो करना होगा, उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पर जाके स्ट्रोक ले लेना है। जब आप लोग स्ट्रोक ले लेंगे उसके बाद सिंपली आप लोग नहीं प्रिंट करोगे, आपका कंप्यूटर में पासपोर्ट छवि को जो पिक्चर होता है वो अच्छा होता है, बट आपको प्रिंट करने के समय वो अंधकार हो जाता है। तो इसलिए आपको लेयर में जाना होगा, उसके बाद कार्ड में जाना होगा, क्योंकि HP प्रिंटर में यही होता है। जब आप लोग ब्राइटनेस नहीं बढ़ाते हो तो फोटो का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, फोटो का ब्राइटनेस ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जाके न्यू लेयर में जाके ओके कर देना है। उसके बाद सिंपली इसको इस ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो। जितना बढ़ाओगे आपका पिक्चर क्वालिटी पासपोर्ट फोटो क्वालिटी अच्छा होगा। तो मेरे पास इसको थोड़ा सा रिमूव करना था, बट आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग ठीक से आप लोग बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपका जो स्टेप होता है कंट्रोल एंड करके, यहाँ पे A4 साइज ले लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको फॉलो करना है, वो होता है स्केल टू फिट मीडिया पे आप लोग क्लिक करके फोटो को ठीक से सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको HP प्रिंटर को सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लोग पहले आप देख सकते हो आपका जो फोटो पेपर है, अगर आपका फुल कलर फोटो पेपर है तो लास्ट में जो आता है ग्लोसी इंजेक्ट पेपर है इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास HP का ओरिजिनल फोटो पेपर है तो जस्ट HP फोटो पेपर में क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोडा का पेपर है तो लास्ट के ऊपर जो है इसमें सिलेक्ट कीजिए। अगर उसके और दूसरे कंपनी का है तो इसमें क्लिक कीजिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फुल कलर फोटो पेपर ले लीजिए, उसके बहुत ही ज़्यादा पिक्चर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट कर देना है जो क्वालिटी है, नॉर्मल और कलर में नहीं करना है आपको, बेस्ट करना है, कलर को ये करना है और यहाँ पे एडवांस में कुछ भी करेंगे। उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका पासपोर्ट जो पिक्चर होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोग देख सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और हेल्प करूँगा। अगर फ्रेंड्स, और आज आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो को फ्रेशली हाई आप लोग HP प्रिंटर से निकल सकते हो। तो इसके लिए आपको